चावर एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार टीना उपाध्याय ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बोबो एंटोनी विर्गेज अर्जुन शुक्ल राजन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर डिस्पोस्टर टीना उपाध्याय की हदायतकारी जो है मैथ्यू ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग चाको बोबहन टोनी वर्गेज अर्जुन शोकन साजन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार जस्टन वर्गेज के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीर आई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टन वर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदिन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाट शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 गुंडे में है जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी के ये गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र उनके साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाले भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएँ। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गेज के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़का लड़ी चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को इब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनो फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाको बोबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शद्दत को तलाश करता है। तमाम शद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाक़ को इन्हीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिससे में दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT के नलपा मैंने ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया खुदगर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचाको बोबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक के टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023
चावर मूवी चैनल बच्चन की मौत आ गई। चक्कन पीपे दौर सितारे मोशन टीजर चैनल बच्चन के चावर में कंचको बोबन ये रही पहली झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। चैनल बच्चन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फ्रांस हिम टाइम कौशल चार के शिला बाजार किया गया। चावर कंचक पवन स्टार चावर के पहले की झलक सामने आने के साथ ही तो कद में इजाफा हो गया। टन में डामा कौशल चार के शिला बाजार किया गया। सिद्धार्थन संजीत चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचक पवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 कौशल चार के शिला बाजार किया गया। कंचक पवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी मजीद पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 30 जून 2023 कौशल चार कृष्णा बाजाज कंचाको पवन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 23 जून 2023 कौशल चार कृष्णा बाजाज की कंचाको पवन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की। कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 कौशल चार कृष्णा बाजार किया गया। फिल्म काफी हद तक मुकबले तक पहुंचे। सुरेश नंदो चावर फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचाको पवन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देते हैं कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 कौशल चार कृष्णा बाजार किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन फिल्म में एक पसरी स्लू स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लिख रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावर मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैनन नलिमा चावर रिव्यू। कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। वीरनी रबता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका में जमीन टोनी विर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डी स्टॉक मैन मनखर तलाश करें। आर्टिकल टॉप वन PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सर चार कृष्णा बाजाज किया गया। क्या कंचाको पवन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजाज किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजाज किया गया। OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की। बाल कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। प्रवीण चावर फिल्म का जायजा। टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा। टीनू पाचन कंचाको पवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 कौशल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सलूक है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी टीनू पाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको पवन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनू पाचन की हिदायतकारी जो मैथ्यू की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग चाको बोबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार
गैस के जरिए निश्चित जैसे म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तारीख 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट बोल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जेंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है मौसीकी जस्टिन वर्गेस ने तरतीब दी है शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 घंटे में है जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालिबी कम्युनिस्ट पार्टी के गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएँ सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तैन पाचन की हिदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के अनुमान से अरुण नारायण वीनू कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गेस के साथ तीसरे कंचाकू के साथ सबसे पहले तावन के साथ चांदत करती है। रिलीजर चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुक का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनो फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शहदत को तलाश करता है। ताम शहदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाकई कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नाजर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी जनमा अपने कारकनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैनन ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। OTT के नलपा मैनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया खुदगर्जी फिल्म साज हवाला जरूर तमीम करे कंचाकू भवन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्दीक टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल पाचन की मौत आगे चन पीपे और सितारे मोशन टीजर चैनल पाचन के चावर में कंचाको भवन ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया बाजाब से चैनल पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फिल्म टाइम को असल चार कृष्णा बाजाज किया गया चावर कंचाको भवन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टन मोटामा को असल चार कृष्णा बाजाब किया गया। सिद्धार्थन संजीत चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाको भवन स्टार की रिलीज की तारीख में
आखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 जब्त किया गया। जग बोबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म टावर की रिलीज मल्टीपल मजीद पड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को असल चारकृष बाजार जगह बोबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म टावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को असल चारकृष बाजार के कंजाकू भवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया कंजाकू भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंजाकू भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष दबाज जब्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुंची। सुरेश आनंदो चावल फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंजाकू बबन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष दबाज जब्त किया गया। चावल का जायजा कंजाकू तनु पाचन फिल्म एक स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मकैनिंग के साथ देखने के काबिल। फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। जेवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाप्त शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चाव फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाप्त शुदा 5 अक्टूबर 2023। मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नाम और ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष शुदा बाजाप्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कन तरीरों की कमी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। मैनन अलीमा चावल रिव्यू। कंजाकू भवन स्टार में स्टाइलिश स्टैम्प्स मादा। OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। वीरनी रोपता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका में जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तयाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें। आर्टिकल टॉप PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का असल चारकृष बाजार किया गया। क्या कंजा को अपन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तीन पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष बाजार किया गया। कंजाकू भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष बाजाप्त किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंजाकू भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष बाजाप्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा। टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। इंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष बाजाप्त किया गया। 2023 को सुरेश आनंद चावर फिल्म का जायजा। तीनों पाचन कंजाकू भवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चारकृष बाजाप्त किया गया। चावर का जायजा कंजाकू तीनों पाचन एक बसरी सलूक है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीनू पाचन ने जोजो जवि महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनू कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंजाकू भवन टोनी वर्गीज अर्जुन शुक्र सचिन गोप ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनू पाचन की हदायतकारी जोजो महतो ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनू कनापली स्टारिंग कंजाकू भवन टोनी वर्गीज अर्जुन शुक्र सचिन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज जस्टिन वर्गीज के जरिए निश्चित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक आई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने सोमालिया मौसीकी जस्टिन वर्गीज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा सब थाम 82 घंटे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब
तारबे कम्युनिकेस्ट पार्टी के ये गंजाना रैनमा के बेटे हैं। इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र उनके साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है, जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुगर और उसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुगर और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं, जिनके शुगर और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुगर और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाए। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तेन पाचन की हिदायतकारी में स्वाथरीन और दियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण वीनू कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी मिर्गेज के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़ेगा लड़े चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को इब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज़ करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज़ की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाले में तरमीम करी, जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनू फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाले शदत को तलाश करता था। शदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि चिन्ह पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से मनाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी अनासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास सपोर्टिटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT Play के नलपा मैनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचाकू बबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक की टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजियाफ्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजियाफ्त 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल पाचन की मौत आगे चाचन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनल पाचन के चावर में कंचाकू बबन पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया बाजियाफ्त देते हैं। चैनल पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फ्रेम टाइम को सुलतान कृष्णा बाजियाफ्त किया गया। चावर कंचाकू बबन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तौकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा को सुलतान कृष्णा बाजियाफ्त किया गया। सिद्धार्थन संजीत चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाकू बबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT Play 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजियाफ्त किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मलतवी मजीद पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को सुलतान कृष्णा बाजियाफ्त कंचाकू बबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को सुलतान कृष्णा बाजियाफ्त किया कंचाकू बबन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया कंचाकू बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर
सितंबर ओटीटी प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की कंचाको बब्बन का एक्शन ड्रामा कांड एक नया ओटीटी प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 कौशल 4 अक्टूबर प्राप्त किया गया। फिल्म काफी हद तक मुकबले तक पहुंची। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा जानू पाचन कंचाको बब्बन फिल्म को की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 कौशल 4 अक्टूबर जाप्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको तीनों पाचन फिल्म में एक पसंद स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मकैनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जो रियल नॉर्मल चावर का जायजा ये मुश्किल सियासी ड्रामा दो हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चावल फिल्म का जायजा स्क्रिप्ट अनुपाचन की हिदायतकारी एक रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावल रिव्यू शुदा गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा अनुपाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया। सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैन नलिमा चावल रिव्यू कंचाको बब्बन स्टार में स्टाइलिश स्टैम्प्स मादा ओटीटी प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गेंगे मुतलका में जमीन टोनी वर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुकन भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराह डिस्टॉक मैन बनकर लाज पर आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस का सर चार पृष्ठा बाजियाज किया गया। क्या कंचा को बब्बन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार पृष्ठा बाजियाज किया गया। कंचाको बब्बन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार पृष्ठा बाजियाब किया गया। ओटीटी प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको बब्बन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। ओटीटी प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार पृष्ठा बाजियाब किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा तीनों पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावल फिल्म का जायजा तीनों पाचन कंचाको बब्बन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि कुंडीजी गर्ल था इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावल मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी टीना उपाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बब्बन टोनी वर्गेज अर्जुन शुकन सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीना उपाचन की हिदायतकारी जो महतो ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग कंचाको बब्बन टोनी वर्गेज अर्जुन शुकन सचिन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज जस्टिन वर्गेज के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीर आई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशांत यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन वर्गेस ने तरतीब दी है। शावर को नागदिन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफा से प्रथम 82 घंटे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी के ये गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फ्राहम करे क्योंकि शुक्र के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा कर सकते हैं जिनके शुक्र
और इसके साथ गेंद ख़त्म करने के लिए कुछ वारी भेजे। शुक्र ने उस गेंद अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाए। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें। तैन पाचन की हिदायतकारी में स्वाथरीन और दियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण वीनू कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी मिर्गेज के साथ तीसरे कंचाकू के साथ सबने पहला तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़ी का लड़ी और चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मल्तवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हल के इस्तकबाल में तरमीम करी। इनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा, चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। चैनल फाचन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा, चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाली शदत को तलाश करता है। ताम शदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा, चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी। लिखा, चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा, फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिससे में दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT के नलपा मैंने ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचाकू बबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक के टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल फाचन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनल फाचन के चावर में कंचाकू बबन रही पहली झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया बाजाब से चैनल फाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फिल्म टाइम कौशल चार के शिला बाजार किया गया। चावर कंचाकू बबन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तो कदम इजाफा हो गया। टन मोटामा कौशल चार के शिला बाजार किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाकू बबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 कौशल चार के शिला बाजार किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को असल चार कृष्णा बाजाज कंचाकू बबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को असल चार कृष्णा बाजाज की कंचाकू बबन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की। कंचाकू बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 उसल चार कृष्णा बाद जाप्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुँचे। सुरेश नंदो चावर फिल्म का जायजा। तैनु पाचन कंचाकू बबन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देते हैं कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 कौशल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचाकू तीनों पाचन फिल्म एक पसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यू एजमेंट
जावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लेके किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जो रियल नॉर्मल चावर का जायजा, ये मुश्किल सियासी ड्रामा, दो हिस्सों की कहानी, 2 हफ्ते बाजाब शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लिख रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाजाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैनन नलिमा चावल रिव्यू कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा ओटीटी प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। ब्यूरो ने रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए कहेंगे मुतलका जमीन टोनी विर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन मन कर तलाश करें आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सरदार कृष्णा बाजियाज किया गया। क्या कंचा को ओपन की चावल 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाज किया गया। कंचाको बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चाव 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा देने पाचन कंचाको बबन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि कुंडीजी गलत है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सलूक है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीना उपाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर डिस पोस्टर टीना उपाचन की हदायतकारी जो मैथ्यू ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग कंचाको बबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज जस्टिन विर्गेज के जरिए नशत यूसुफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीर रही 5 अक्टूबर 2023 वो का चल रहा है। 128 मिनट बोल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जेंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन विर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 गुंडे में है जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालिब कम्युनिस्ट पार्टी के गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएँ सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तैन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के अनुमान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी विर्गेज के साथ तीसरे कंचाको के साथ पहले तावन के साथ चंदत का थियर रिलीज
लड़ी चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मुलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुक का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी, जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनुफा जिनका सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शहदत को तलाश करता है। तमाम शहदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाकई कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नाजर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसिपल एलेक्जेंडर ने लिखा फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मेनन ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT के नलपा मेनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तहरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्ज फिल्म साज हवाला जुर्म तमीम करे कंचाकू बबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब्त 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल वचन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनल वचन के चावर में कंचाकू बबन ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। टेन पाचन की तीसरे फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फ्राइम टाइम कौशल चार के शुदा बाजाज किया गया। चावर कंचाकू बबन स्टार चावर के पहले की झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो टामा कौशल चार के शुदा बाजाब किया गया। सिद्धार्थन संजीत चावर टेनू पाचन बताते हैं कि कंचाकू बबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाजाब किया गया। कंचाक बोबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म टावर की रिलीज मुलतवी। मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को संसार की शुदा बाजाब कंचाक बोबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को संसार की शुदा बाजाब किया। कंचाकू बबन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचाकू बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुल चार बाद जाप्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकुले तक पहुंची। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा तैनु पाचन कंचाकू बबन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सुल चार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चावल का जायजा कंचाकू तीनु पाचन फिल्म एक पसरी स्लू स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिक के साथ देखने के काबिल फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब्त शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाब्त शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया।
सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कर तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। मैंने नलिमा चावल रिव्यू कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश प्रेम्स मादा ओटी टी प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। ब्यूरो ने रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे मुतलका में जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तयाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें आर्टिकल टॉप PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सबसे ज्यादा पिछड़ा बाजार किया गया। क्या कंचा को अपन की चावल 28 नंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्ण बाजाप्त किया गया। जाको बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्ण बाजाप्त किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिदा बाजियाब किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। इंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिदा बाजियाब किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावल फिल्म का जायजा टीनू पाचन कंचाको पवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि डीजी गलत है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सुल कृष्ण बाजाप्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावल मूवी रिव्यू के जरिए की। चावल 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार टीना पाचन ने जोजो जोजी महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको पवन टोनी वर्गीज अर्जुन शुक्र सचिन गोप ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावल थिएटर डिस पोस्टर टीना पाचन की हदायतकारी जोजो महतो की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग चाको बोबन टोनी वर्गेज अर्जुन शुकन साजन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार जस्टन वर्गेज के जरिए नशत जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तारीख राई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टन वर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 गुंडे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी को यह गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र करण के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएं सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम कर तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हरदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गीज के साथ तीसरे कंचाको के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर रिटिकल रेडियो चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अभिताई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुकों का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनू फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए लिखा
चावर कंचा को बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाले शहदत को तलाश करता था। शहदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 शताब्दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि चिन्ह वाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 शताब्दी लिखा। चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से मनाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाक्य कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी अनासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी एलेक्जेंडर ने लिखा फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। ओ टी टी प्ले के नलपा मैन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की अमीर अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है जिसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुद गर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचा को बबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्दीक की टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजयाफ्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजयाफ्त 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैन बच्चन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनु पाचन के चावल में कंचा को बबन ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावल का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जाप सकते हैं। चैनु पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम को असल चार के शिला पर जाप किया गया। चावल कंचा को बबन स्टार चावल के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा को असल चार कृष्णा बस जाप किए गए। सिद्धार्थन संजीत चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचा को बबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को सल चार कृष्णा बस जाप्त किया गया। कंचा को बबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद पढ़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 30 जून 2023 को असल चार कृष्णा बस जाप्त कंचा को बबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 23 जून 2023 को संसार कुछ बाजार किया। कंचा को बबन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचा को बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचा को बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को संसार कुछ बाजार किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुँची। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचा को बबन फिल्म खून की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। चावल का जायजा कंचा को तनु पाचन फिल्म में एक पसली स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिक के साथ देखने के काबिल फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त किया गया। जेवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजयाफ्त शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावल फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजयाफ्त शुदा 5 अक्टूबर 2023। मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजयाफ्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त किया गया। मैंने नलिमा चावल रिव्यू कंचा को बबन स्टार में स्टाइलिश स्टैम्प्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त किया गया। वीरनी रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका में जमीन टोनी वर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुकन भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक कि दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराह डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें। आर्टिकल टॉप 1 PDF डाउनलोड करें।
इसलिए इसकी तरीके बंद कर दी। जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस का सबसे अर्पिष्ट बाजियात किया गया। क्या कंचा को अपन खींचा और 28 नंबर को लीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्ण बाजियाफ्त किया गया। जाको बबन के एक्शन से भरपूर थ्रिलर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्ण बाजियाफ्त किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। बाल कंचा को बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्ण बाजियाफ्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा। टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्ण बाजियाफ्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावल फिल्म का जायजा। टीनू पाचन कंचा को बबन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि हम डीजी गर्ल्थ है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्ण बाजियाफ्त किया गया। चावल का जायजा कंचा को टीनू पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीनू पाचन ने जोजो जोजो मैथ्यू की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाकू बोबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सराजन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनू पाचन की हदायतकारी जो मैथ्यू की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग चाकू बोबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सराजन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज जस्टिन विर्गेज के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक राय 5 अक्टूबर 2023 वो का चल रहा है। 128 मिनट मूल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जेंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन विर्गेस ने तरतीब दी है। शावर को नागदिन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाट शुक्र मुस्तफा से प्रथम 82 गुंडे में है जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालिब कम्युनिकेस्ट पार्टी के ये गंजाना रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र उनके साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाले भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाए। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी विर्गेस के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहला तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़ेगा लड़े चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। टीनू पाचन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाली शिद्दत को तलाश करता है। तमाम शिद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से
काम करती है, किस तरह से मनाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी। वाकई कोई नहीं कहानी नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी ना से इसे देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर। इसकी प्रिंसी अलेक्जेंडर ने लिखा, फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं है। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। और टी टी प्ली के नलपा मैन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि जावर की अमीर फिजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया, खुद गर्जी फिल्म साज वाला जुर्म तमीम करे कंचा को भवन की चावल को US आर टी फेयर के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्वीर की टाइम ऑफ इंडिया 29 सितंबर 2023, 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023। चावर मूवी चैनल बच्चन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनल बच्चन के चावर में कंचा को भवन रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। टेनो पाजन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम कौशल चार के शिला बाजाज किया गया। चावर कंचा को भवन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा कौशल चार के शिला बाजाब किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टेनो पाजन बताते हैं कि कंचा को भवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को संसार की शिदा बाजाब किया गया। कंचा को भवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 30 जून 2023 को संसार की शिदा बाजाब कंचा को भवन टीनो पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को संसार की शिदा बाजाब किया। कंचा को भवन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचा को भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की। कंचा को भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को चार कृष्णाबाद जाप्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुँचे। सुरेश नंदो चावर फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचा को भवन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सल चार कृष्णाबाद जाप्त किया गया। चावर का जायजा कंचा को तनु पाचन फिल्म एक पसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023। मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावर मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैनन नलिमा चावर रिव्यू। कंचा को भवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। यूरनी रबता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन मन कर तलाश करें। आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सरदार कृष्णा बाजाज किया गया। क्या कंचा को भवन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाज किया गया। कंचा को भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सर चार कृष्णा बाजाब किया गया। OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की बात। कंचा को भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले
21 सितंबर 2023, 4 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिंदा बाजियाब किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा, टीनू पाचन का खराब हुनर, खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा इंदू। 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाप्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा, तीनों पाचन कंचाको वोवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि कुंडीजी गलत है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाप्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी शुरू जो स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीना उपाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको वोवन, टोनी वर्गीज, अर्जुन शुकन, सराजन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर डिस्पोस्टर टीना उपाचन की हदायतकारी जो मैथ्यू की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग कंचाको वोवन, टोनी वर्गीज, अर्जुन शुकन, सराजन गोपू, सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज, जस्टिन वर्गीज के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर, पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन, काव्य फिल्म कंपनी, तारीख राई 5 अक्टूबर 2023 का चल रहा है। 128 मिनट बोल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जेंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन वर्गीज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम सियासी गुंडे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालिब कम्युनिस्ट पार्टी के गंजाना रैनमा के बेटे हैं, इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएँ। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तैन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के अनुमान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गीज के साथ तीसरे कंचाको के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाल में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनो फाचन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाको वोवन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शद्दत को तलाश करता है। ताम शद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई। फ्रेमों को ताजगी वाकई कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नाजर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसिपल एलेक्जेंडर ने लिखा फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी जनमा अपने कारकनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है।
फिल्म कैंपियन के विशाल मेनन ने लिखा है, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं है। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। ओ टी टी प्ले के नलपा मेनन ने 5 में से 2 स्टार दिए, लिखा कि जावर की अमीर अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयाने की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज हवाला जन्म तमीम करे कंचा को पवन की जावर को US आप्टिव केयर के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्वीर की टाइम ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड ऑफ फिल्म के दर्जा बंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल वचन की मौत आगे चक चन पीपे और सितारे मोशन टीजर चैनल वचन के चावर में कंचा को पवन ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। टेन पर्जन की तीसरे फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम कौशल चार के शुदा बाजाज किया गया। चावर कंचक पवन स्टार चावर के पहले की झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा कौशल चार के शुदा बस जाप किए गए। सिद्धार्थन संजीत चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाको बोबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को जल चार किश्ता बस जाप किया गया। कंचाको बोबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म टावर की रिलीज मुलतवी। मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को असल चार किश्ता बस जाप कंचाको बोबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को सुलचार कुशदा बाजार के कंचाको पवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुलचार कुशदा बाजार किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुंची। सुरेश आनंदो चावल फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचाको बबन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। चावल का जायजा कंचाको तनु पाचन फिल्म एक पसरी स्लू स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मकैनिंग के साथ देखने के काबिल। फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब किया गया। जेवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कन तरीरों की कमी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब किया गया। मैनन अलीमा चावल रिव्यू कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश प्रेम्स मादा। OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब किया गया। वीरनी रोपता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका में जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तयाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्क टॉप मैन बनकर तलाश करें। आर्टिकल टॉप PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का असल चार किश्ता बाजार किया गया। क्या कंचा को पवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजार किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजार किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजार किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा। टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। इंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजाब किया गया। 2023 को सुरेश आनंद चावर फिल्म का जायजा। तीनों पाचन कंचाको पवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजाब किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन
एक बसरी सुरुख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर एक 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीना उपाध्याय ने जोजो जो मैथ्यू की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनू कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाकू बोबो एंटोनी विर्गेज अर्जुन शुकन सचिन गोप ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर डिस पोस्टर टीनू उपाध्याय की हदायतकारी जो मैथ्यू की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनू कनापली स्टारिंग चाक बोबहन टोनी वर्गेस अर्जुन शोकन साजन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार जिस्टन वर्गेस के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवी पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक राई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मूल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जिस्टन वर्गेस ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 घंटे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी को यह गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फ्राहम करे क्योंकि शुक्र करण के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुकन और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुकन और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुकन और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुकन और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुकन और इस गैंग अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएं सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम कर तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन और दियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनू कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गेस के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर रिटिकल रेडियो चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अभिताई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुकों का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनू फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बोबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाली शदत को तलाश करता था। शदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है किस तरह से मनाजर की मनसूबाबंदी की गई। फ्रेमों के ताजगी वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंदासी अनासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा मकान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मेनन ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT Play के नलपा मेनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की अमीर अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है जिसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचाकू बोबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक टाइम्स ऑफ इंडिया 30 सितंबर 2023
पांच अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बालजाप किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म के दर्जाबंदी बालजाप से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल बच्चन की मौत आगे चक चन पीपे और सितारे मोशन टीजर तेनु पाचन के चावल में कंचाको पवन ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावल का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जाप सकते हैं। तेनु पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम कौशल चार कृष्णा पर जाप किया गया। चावल कंचाको पवन स्टार चावल के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टन मोटामा कौशल चार कृष्णा बस जाप किए गए। सिद्धार्थन संजीत चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाको पवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 चार कृष्णा बस जाप किया गया। कंचाको पवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद पढ़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 चार कृष्णा बस जाप कंचाको पवन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 संसार कृष्णा बालजाप किया। कंचाको पवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 चार कृष्णा बालजाप किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुंची। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा। तेनु पाचन कंचाको पवन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देते हैं कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बालजाप किया गया। चावल का जायजा कंचाको तेनु पाचन फिल्म में एक पसली स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिक के साथ देखने के काबिल। फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। जेवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाप्त शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावल फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट तेनु पाचन की हिदायतकारी अलेख रुकावट बाजाप्त शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा तेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को असल चार की शुदा बाजाप्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। मैन नलिमा चावल रिव्यू। कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। वीरनी रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका में जमीन टोनी वर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराह डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें। आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी। जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस का असल चार कृष्णा बालजाप्त किया गया। क्या कंचा को अपन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बालजाप्त किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बालजाप्त किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बात। कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बालजाप्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा। तेनु पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बालजाप्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा। तेनु पाचन कंचाको पवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बालजाप्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तेनु पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी टीनो पाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको पवन टोनी वर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनो पाचन की हिदायतकारी जो महतो ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग
चाकबोबहन, टोनी वर्गेस, अर्जुन शोकन, साजन गप्पू, सिनेमाटोग्राफी जिंटू जार्ज, जेस्टन वर्गेस के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवी, पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन, काव्य फिल्म कंपनी, तारीख राय 5 अक्टूबर 2023, वक्त चल रहा है 128 मिनट, मुल्क हिंदुस्तान, जबान मलयालम, सिनेमाटोग्राफी जेंटू जॉर्ज ने की है, जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है, मौसीकी जस्टिन वर्गेस ने तरतीब दी है। शावर को नाक दिन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 घंटे में है, जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालिब कम्युनिकेस्ट पार्टी को ये गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं, इब्तदाई तौर पर इमदाद फ्राहम करे, क्योंकि शुक्र करण के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है, जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था, इसलिए का एहसास होने पर शुक्र इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं, जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाले भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते, जाएँ सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें, तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर, अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण, वीनू खनापली, रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गेस के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़ेगा लड़े चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को इब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाल में तरमीम करी, जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा, चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। चैनल फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा, चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया, सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाली शदत को तलाश करता है। तमाम शदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा, चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी। लिखा, चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है, किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी। वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा, फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT के नलपा मैनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज वाला जुर्म तमीम करे, कंचाकू बबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक के टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023, 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023। चावर मूवी चैनल फाचन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर, चैनल फाचन के चावर में कंचाको बोबन, ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया बाजाब से चैनल फाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फिल्म टाइम को असल चार के शिला बाजार किया गया। चावर कंचाको बबन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तो कदम इजाफा हो गया। टनमो डामा को असल चार के शिला
बस जब किए गए सिद्धार्थन संजीव चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचा को भुवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाज किया गया कंचा को भुवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद पढ़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 30 जून 2023 को संसार की शुदा बाज कंचा को भुवन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 23 जून 2023 को संसार की शुदा बाजार के कंचाको भवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया कंचाको भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचाको भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाजार किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकुले तक पहुँचे सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचाको भवन फिल्म खून की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाजार किया गया। चावल का जायजा कंचाको तनु पाचन फिल्म एक पसली स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर व्यू शुदा गुमशुदा वजह के बारे में एक नाम और ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाजाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैनन नलिमा चावल रिव्यू कंचाको भवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। ने रबता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे मुतलका जमीन टोनी विर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन मनकर तलाश करें आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सरदार कृष्णा बाजियाज किया गया। क्या कंचा को भवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाज किया गया। कंचाको भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा तीनों पाचन कंचाको भवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सलूक है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी टीनू पाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको भवन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनू पाचन की हिदायतकारी जो मैथ्यू ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग कंचाको भवन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज जस्टिन विर्गेज के जरिए नशत यूसुफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक राई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट बोल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन विर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफा से प्रथम 82 घंटे में जो अपने लीडर जी के कम पर
करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेशन पार्टी के गंजाना रहनमा के बेटे हैं, इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्रकरण के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है, जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा कर सकते हैं, जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते हैं, जहाँ सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तैन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन और दियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण वीनू कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गेज के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहले तावन के साथ चांदत करती है। रिलीजर चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज़ करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज़ की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुक का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी, जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनो फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शद्दत को तलाश करता है। ताम शद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाकई कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नाजर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसिपल एलेक्जेंडर ने लिखा फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैनन ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। OTT के नलपा मैनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज हवाला जरूर तरमीम करे कंचाकू भवन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्दीक की टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब्त 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल पाचन की मौत आगे चन पीपे और सितारे मोशन टीजर चैनल पाचन के चावर में कंचाको भवन ये रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया बाजाब्त चैनल पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। एम टाइम कौशल चार के शुदा बाजाज किया गया। चावर कंचाको भवन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टन मोटामा कौशल चार के शुदा बाजाब किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाको भवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 कौशल चार के शुदा बाजाब किया गया। कंचाको भवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मलतवी मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताजा 3 पोस्टर देखे टाइम्स ऑफ इंडिया 14
सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया कंचाको बब्बन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर ओटीटी प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचाको बब्बन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है ओटीटी प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुल 4 किश्ताबाद चाप्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकुले तक पहुँचे। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा तनु पाचन कंचाको बब्बन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देते हैं कि खुनरेजी गर्ल्स इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सुल 4 किश्ताबाद जाप्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको तीनों पाचन फिल्म में एक स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मकैनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा ये मुश्किल सियासी ड्रामा दो हिस्सों की कहानी दो हफ्ते बाजाप्त शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाप्त शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सुल 4 की शुदा बाजाप्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। मैनन अलीमा चावल रिव्यू कंचाको बब्बन स्टार में स्टाइलिश प्रेम्स मादा ओटीटी प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। वीरनी रोपता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे मुतलका में जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तयाब है जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सुल 4 किश्ताबाद जांच किया गया। क्या कंचा को बब्बन की चावल 28 नंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुल 4 किश्ताबाद जांच किया गया। कंचाको बब्बन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुल 4 किश्ताबाद जाप्त किया गया। ओटीटी प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको बब्बन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है ओटीटी प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुल 4 किश्ताबाद जाप्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा इंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल 4 किश्ताबाद जाप्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा तीनों पाचन कंचाको बब्बन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल 4 किश्ताबाद जाप्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सलूक है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीनू पाचन ने जोजो जो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनू कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बब्बन टोनी वर्गीज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनू पाचन की हदायतकारी जोजो महतो ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनू कनापली स्टारिंग कंचाको बब्बन टोनी वर्गीज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज जस्टिन वर्गीज के जरिए निश्चित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीर आई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने सोमालिया मौसीकी जस्टिन वर्गीज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा सब थाम 82 गुंडे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी को यह गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फ्राहम करे क्योंकि शुक्र खान के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर
इस्तेमाल किया गया था इस खौफ से कि शुकन और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं, जिनके शुकन और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवारी भेजे। शुकन और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाए सिर्फ और उन पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम कर तन पाचन की हिदायतकारी में स्वादरीन और दियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण वीनू कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी मिर्गेज के साथ तीसरे कंचाकू के साथ सबसे पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर रेडिकल रेडियो चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज़ करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज़ की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाले में तरमीम करी, जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती, जैनू फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के आनंद सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाली शिद्दत को तलाश करता था। शिद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि चिन्हू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से मनाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी अनासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा मकान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी एलेक्जेंडर ने लिखा फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मेनन ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT Play के नलपा मेनन ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा कि चावर की अमीर अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचाकू बबन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक की टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार पिछड़ा बाजाफ्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाफ्त से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल पाचन की मौत आ गई। चाचन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनल पाचन के चावर में कंचाकू बबन टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया बाजाफ्त चैनल पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फ्राइम टाइम को संसार कृष्णा बाजाफ्त किया गया। चावर कंचाकू बबन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा को संसार कृष्णा बाजाफ्त किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाकू बबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT Play 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजाफ्त किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मलतवी मजीद पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को असल चार कृष्णा बाजाफ्त कंचाकू बबन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को संसार कृष्णा बाजाफ्त किया। कंचाकू बबन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया कंचाकू बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर। सितंबर OTT Play पर चावर थिएटर में रिलीज की कंचाकू बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT Play 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजाफ्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुंची। सुरेश नंदो चावर फिल्म का जायजा। जैनू पाचन कंचाकू बबन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजाफ्त किया गया। चावर का जायजा कंचाकू तीनों पाचन फिल्म में एक पसरी सलूक
स्क्रिप्ट के मुताबिक द न्यू एजमेंट जावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट के किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया से 1 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जो रियल नॉर्मल जावर का जायजा, ये मुश्किल सियासी ड्रामा दो हिस्सों की कहानी, 2 हफ्ते बाजाब शुदा अलेक्जेंडर प्रिंसी चाव फिल्म का जायजा, स्क्रिप्ट एंड पाचन की हिदायतकारी कलिक रुकावट, बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा एंड पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया। सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैन नलिमा चावल रिव्यू कंचा को पवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा ओ टी टी प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। विरोधी रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गेंगे मुतलका में जमीन टोनी विर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराह डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी जी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सर चार पृष्ठा बाजियाज किया गया। क्या कंचा को ओपन की चावर 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार पृष्ठा बाजियाज किया गया। जाको बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चाव 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब किया गया। OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की बात कंचाको बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब किया गया। प्रवीण चावर फिल्म का जायजा, टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा, तीनों पाचन कंचाको बबन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि हम डीजी गर्ल्थ है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक द न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी टीना पाचन ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीना पाचन की हिदायतकारी जो महतो ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग चाको बबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सचिन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज जस्टिन विर्गेज के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीर आई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशांत यूसुफ ने सोमालिया मौसीकी जस्टिन विर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाट शुक्र मुस्तफा से प्रथम 82 गुंडे में है जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी के ये गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं जदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाले भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएँ। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तन पाचन की हिदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी विर्गेज के साथ तीसरे कंचाकू के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर
रेगा लैरियर चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मुलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हल के इस्तकबाल में तरमीम करी, जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा, चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। चैनल फर्जन का सारा हुनर खराब, लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए, लिखा चावर कंचा को बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शहदत को तलाश करता है, तमाम शहदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी, लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाकई कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा, फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिससे में दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। OTT के नलपा मैंने ने 5 में से 2 स्टार दिए, लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया, खुद गर्जी फिल्म साज वाला जुर्म तमीम करे कंचा को भवन की चावल को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक के टाइम ऑफ इंडिया 29 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल फचन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर चैनल फचन के चावर में कंचा को भवन रही पहली झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। टेनो पाजन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। फ्राइम टाइम कौशल चार के शिला बाजाज किया गया चावर कंचा को भवन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा कौशल चार के शिला बाजाब किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टेनो पाजन बताते हैं कि कंचा को भवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को संसार की रिश्ता बाजाब किया गया। कंचा को भवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को संसार की रिश्ता बाजाब कंचा को भवन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को संसार की रिश्ता बाजाब किया। कंचा को भवन की चावर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचा को भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की। कंचा को भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को चार किश्ता बाद जाप्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुँचे। सुरेश नंदो चावर फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचा को भवन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजाब किया गया। चावर का जायजा कंचा को तनु पाचन फिल्म में एक पसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनू पाचन की हिदायतकारी एक रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनू पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया।
सज्जन चावल मूवी रिव्यू स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। मैंने नालिमा चावल रिव्यू कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश प्रैम्स मादा ओ टी टी प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाप्त किया गया। ब्यूरो ने रबता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका मजामीन टोनी विर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधानी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन मन कर तलाश करें। आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का असल जार पिछड़ा बाजियाज किया गया। क्या कंचा को ओपन की चावल 28 नंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तरीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल जार पिछड़ा बाजियाज किया गया। कंचाको बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चाव 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजियाब किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजियाब किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजियाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा देने पाचन कंचाको बबन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि हुंडीजी गलत है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजियाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सलूक है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीना उपाचार्य ने जोजो जोजो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सराजन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर डिस पोस्टर टीना उपाचार्य की हदायतकारी जो है महतो ये तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग कंचाको बबन टोनी विर्गेज अर्जुन शुक्र सराजन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज जस्टिन विर्गेज के जरिए नशत यूसुफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक राई 5 अक्टूबर 2023 का चल रहा है। 128 मिनट बोल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन विर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदेन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 गुंडे में है जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी के गंजाना ड्रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फ्राहम करे क्योंकि शुक्र के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुक्र इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुक्र और गैंग संगीन हालात पैदा कर सकते हैं जिनके शुक्र और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुक्र और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएं सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तैन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के अनुमान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी विर्गेज के साथ तीसरे कंचाको के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मल्तवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुक का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनो फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए लिखा।
चावर कंचाकू बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाले शहदत को तलाश करता, तमाम शहदत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 शताब्दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टिनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 शताब्दी लिखा। चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाकई कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा। फिल्म साज ने महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी जनमा अपने कारकनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तहरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। ओ टी टी प्ले के नलपा मैंने ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की उम्मीद अफजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया खुद गर्जी फिल्म साज वाला जन्म तमीम करे कंचाकू बबन की चावर को US ऑप्टिव केयर के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्वीर की टाइम ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सरदार कृष्णा बाजाब्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजाब्त 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल पाचन की मौत आगे चक चन पीपे और सितारे मोशन टीजर चैनल पाचन के चावर में कंचाकू बबन ये रही पहली झलक। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। टेन पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम कौशल चार के शुदा बाजाफ किया गया। चावर कंचाकू बबन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टन मोटामा कौशल चार के शुदा बाजाफ किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टेनू पाचन बताते हैं कि कंचाकू बबन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजाब्त किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन थ्रिलर फिल्म टावर की रिलीज मुलतवी। मजीद पड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को संसार कृष्णा बाजाब्त कंचाकू बबन टिनू पाचन की एक्शन फिल्म टावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को संसार कृष्णा बाजाब्त किया। कंचाकू बबन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचाकू बबन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचाकू बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुल चार कृष्णाबाद जाप्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकुले तक पहुँची। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा। तनु पाचन कंचाकू बबन फिल्म खून की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सुल चार कृष्णाबाद जाप्त किया गया। चावल का जायजा कंचाकू तनु पाचन फिल्म एक पसरी स्लू स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिक के साथ देखने के काबिल फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब्त शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनू पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाब्त शुदा 5 अक्टूबर 2023 मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनू पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सर चार की शुदा बाजाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कुन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैनन अलीमा चावल रिव्यू कंचाकू बबन स्टार में स्टाइलिश प्रेम्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। वीरनी रोपता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गई कि मुतलका में जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तयाब है। जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराह डिस्टॉप मैन बनकर तलाश करें। आर्टिकल टॉप 1 PDF डाउनलोड करें।
इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई, जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस का सरचार्ज पिछला बार जांच किया गया। क्या कंचा को अपन की चावल 28 नंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तीन पोस्टर देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा पास जांच किया गया। जाको बबन के एक्शन से भरपूर थ्रिलर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा पास जांच किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की बाद कंचाको बबन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिंदाबाद जाप्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा, टीनू पाचन का खराब हुनर, खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा इंदू। 6 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिंदाबाद जाप्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावल फिल्म का जायजा, टीनू पाचन कंचाको बबन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि डीजी गलत है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सुलझार कृष्णा पास जाप्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको तीनों पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावल मूवी रिव्यू के जरिए की। चावल 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार टीना पाचन ने जोजो जो महतो की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको बबन, टोनी विर्गेस, अर्जुन चुकन, सचिन गोप ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावल थिएटर रिलीज पोस्टर टीना पाचन की हदायतकारी जो महतो की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग कंचाको बबन, टोनी विर्गेस, अर्जुन चुकन, सचिन गोप, सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज, जस्टिन विर्गेस के जरिए निश्चित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक आई 5 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है। 128 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जेंटू जॉर्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टिन विर्गेस ने तरतीब दी है। शावर को नागदिन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाटर शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 गुंडे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी को यह गंजाना रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र करण के साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुक्र और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुगर उसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुगर और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुगर और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाली भेजे। शुगर और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाए सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हरदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी विर्गेस के साथ तीसरे कंचाको के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़ेगा लड़ियर चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अभिताई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल लुकों का असल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। जैनू फाजन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाको बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी में पैदा होने वाली शिद्दत को तलाश करता था। शिद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दिए और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दिए। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है किस तरह से
नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों के ताजगी वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नासर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर। इसकी प्रिंसी अलेक्जेंडर ने लिखा, फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है। फिल्म कैंपियन के विशाल मैंने ने लिखा, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी एहसास के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। और टी टी प्ली के नलपा मैन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि चावर की अमीर फजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है, जिसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म साज वाला जब तमीम करे कंचा को पवन की चावर को US सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख और तस्दीक की टाइम ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजियाब्त किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म की दर्जाबंदी बाजियाब्त 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल बच्चन की मौत आ गई चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर तेनु पाचन के चावल में कंचाको पवन पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावल का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। तेनु पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम को सुलचार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। चावल कंचाको पवन स्टार चावल के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा को सुलचार कृष्णा बस जब के अगर सिद्धार्थन संजीव चावर टीनू पाचन बताते हैं कि कंचाको पवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बस जब्त किया गया। कंचाको पवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म चावर की रिलीज मुलतवी। मजीद पढ़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 को संसार कृष्णा बस जब्त कंचाको पवन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म चावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया। कंचाको पवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुंची। सुरेश नंदो चावल फिल्म का जायजा। तेनु पाचन कंचाको पवन फिल्म खून की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खूनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको तेनु पाचन फिल्म में एक पसली स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल फिल्म। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजियाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजियाब्त शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट तेनु पाचन की हिदायतकारी एक रुकावट बाजियाब्त शुदा 5 अक्टूबर 2023। मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा तेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को संसार की शुदा बाजियाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावल मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क रिव्यूज कन तरीरों की कमी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजियाब्त किया गया। मैन नलिमा चावल रिव्यू कंचाको पवन स्टार में स्टाइलिश स्टैम्प्स मादा OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजियाब्त किया गया। वीरनी रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका में जमीन टोनी वर्गेज भारतीय फिल्म अदाकार जन शुकन भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराह डिस्टॉप मैन बनकर तलाश पर आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सरदार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। क्या कंचा को पवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। कंचाको पवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चावल 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को संसार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। OTT प्ले पर चावल थिएटर में रिलीज की। बाद कंचाको पवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले
21 सितंबर 2023, 4 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिंदा बाजयाप्त किया गया। प्रवीण चावल फिल्म का जायजा, टीनू पाचन का खराब हुनर, खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा इंदू। 6 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिंदा बाजयाप्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावल फिल्म का जायजा, टीनू पाचन कंचाको गोवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि डीजी गर्ल्थ है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार को जिंदा बाजयाप्त किया गया। चावल का जायजा कंचाको टीनू पाचन एक बसरी सुरूख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की। चावर 1 2023 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की सियासी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी टीनू पाचन ने जोजो जोजो मैथ्यू की लिखी हुई कहानी से की है और इसे अरुण नारायण विनु कनापली ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कंचाको गोवन, टोनी विर्गेज, अर्जुन शुकन, सराजन गोपन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। चावर थिएटर रिलीज पोस्टर टीनू पाचन की हदायतकारी जो मैथ्यू की तरीर करदा अरुण नारायण की तरफ से तैयार करदा विनु कनापली स्टारिंग चाको बोबहन टोनी वर्गेज अर्जुन शुकन साजन गोपू सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज जेस्टन वर्गेज के जरिए निशित जोसेफ म्यूजिक की तदवीर पैदावार कंपनी अरुण नारायण प्रोडक्शन काव्य फिल्म कंपनी तरीक राय 5 अक्टूबर 2023 वो का चल रहा है। 128 मिनट बोल के हिंदुस्तान जबान मलयालम सिनेमाटोग्राफी जंटू जार्ज ने की है जबकि एडिटिंग निशान यूसुफ ने संभाली है। मौसीकी जस्टन वर्गेज ने तरतीब दी है। शावर को नागदिन के मिले जुले जायजों के लिए 5 अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था। प्लाट शुक्र मुस्तफ़ा से प्रथम 82 गुंडे में जो अपने लीडर जी के कम पर करण नामी नौजवान को कत्ल कर देते हैं। मुस्तफ़ा ने अरुण से दरख्वास्त की कि जो एक मेडिकल की तलब तालब कम्युनिकेस्ट पार्टी के ये गंजाना रैनमा के बेटे हैं इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करे क्योंकि शुक्र उनके साथ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। इसकी वजह से अरुण भी पुलिस तफ्तीश में एक अहम मुलजम बन के जाता है जहाँ शुकन और इसका गैंग पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। ये इंकशाफ हुआ कि जिनके करण को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने बेटे के साथ तलकात में था। इसलिए का एहसास होने पर शुकन और इसके ग्रोह को एहसास होता है कि इन्हें सियासत में प्यादों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस खौफ से कि शुकन और गैंग संगीन हालात पैदा हो कर सकते हैं जिनके शुकन और इसके साथ गैंग खत्म करने के लिए कुछ हवाले भेजे। शुकन और इस गैंग अपने जख्मों की ताब न लाते हुए मरने वालों को ख़त्म करने का इंतजाम करते जाएं। सिर्फ अरुण पहाड़ी इलाके से बचने फरार उनमें कामयाब होते हैं। कॉस्ट प्रोडक्शन तरक्की में तरमीम करें तन पाचन की हदायतकारी में स्वाथरीन हारदियर अजगम के बाद तीसरी फिल्म चावर के नवान से अरुण नारायण विनु कनापली रायन प्रोडक्शन और काव्य फिल्म के साथ तैयार की। ये फिल्म पाचन के एंटोनी वर्गेज के साथ तीसरे कंचाको के साथ अपने पहले तावन के साथ चंदत करती है। रिलीजर लड़का लड़ी चावर की रिलीज की तारीख को कई बार मलतवी किया गया। फिल्म को अब्तदाई तौर पर 20 जुलाई 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था। रिलीज की तारीख को बाद में 21 सितंबर 2023 और फिर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ दिया था। ये फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। होम मीडिया तरमीम सोनी LIV ने फिल्म के डिजिटल हकूक हासिल के इस्तकबाले में तरमीम करी जिनके जरिए दमल हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा। चावर दिखाता है क्योंकि सिर्फ तकनीकी मार से फिल्म नहीं बन सकती। टीनू पाचन का सारा हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को नहीं बचा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनंत सुरेश ने 5 में से 2 स्टार दिए। लिखा चावर कंचाको बबन ने मरकजी किरदार अदा किया। सियासी दुश्मनी पैदा होने वाले शद्दत को तलाश करता है। ताम शद्दत की फिल्म की जमालियाती शक्ल इसके मरकजी मौजू के मुताबिक नहीं है। इसे 5 में से 2 से 5 स्टार दी और लिखा चोर को अलग खड़े होने में किस चीज़ की मदद करता है। हालांकि टीनू पाचन का इस इलाज से जितना ही काम है जितना कि ये जमालियाती टाइम्स ऑफ इंडिया की गोपिका ने 5 में से 2 से 5 स्टार दी। लिखा चावर एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैकेनिक की वजह से नुमाया कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद फिल्म इस वजह से काम करती है। किस तरह से नाजर की मनसूबाबंदी की गई और फ्रेमों को ताजगी वाक़ कोई नहीं कहानी नहीं लेकिन प्रेजेंटेशन फंतासी नाजर से देखने के काबिल फिल्म बना देते। अगली सतह पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान की फिल्म का तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर इसकी प्रिंसी लेजेंडर ने लिखा फिल्म साज में महारत के बावजूद स्क्रिप्ट जिसमें दिलेरी से ये पता चलता है कि पार्टी रनमा अपने कारकनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं प्यादों के तौर पर कभी कभार तबाही होती है।
फिल्म कैंपियन के विशाल मेनन ने लिखा, ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ एक तरीरी शक्ल में काम करती है जिसमें किरदार किसी हकीकी सांस के मुताबिक नहीं। अच्छे लगने वाले फ्रेम अक्सर खुद करीब करीब रेस्ट बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। और टी डब्ल्यू के नलपा मेनन ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि जावर की अमीर फिजा बुनियाद इसकी तका देने वाली कमजोरी तरीर बयानी की वजह से मायूस हो गई है। इसे बुरी तरह से अंजाम दिया गया। खुदगर्जी फिल्म जहाज वाला जुर्म तमीम करे कंचा को भवन की चावल को US आर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। रिलीज की तारीख को तस्दीक की टाइम्स ऑफ इंडिया 29 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुलतान कृष्णा बाजाब किया गया। चोर बर्दवानी बोर्ड फिल्म के दर्जाबंदी बाजाब से 5 अक्टूबर 2023 चावर मूवी चैनल बच्चन की मौत आगे चक चन पीपे बतौर सितारे मोशन टीजर तेनु बच्चन के चावल में कंचा को भवन रही पहली झलक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चावर का दूसरा मंजर मोशन पोस्टर और टाइम्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। टेनु पाचन की तीसरी फिल्म के टाइटल का ऐलान मोटी ने किया। प्राइम टाइम कौशल चार के शिला बाजार किया गया। चावर कंचा को भवन स्टार चावर के पहले झलक सामने आने के साथ ही तोकत में इजाफा हो गया। टनमो डामा कौशल चार के शिला बाजाब किया गया। सिद्धार्थन संजीव चावर टेनु पाचन बताते हैं कि कंचा को भवन स्टार की रिलीज की तारीख में ताखिर क्यों हुई। OTT प्ले 5 अक्टूबर 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब किया गया। कंचा को भवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म टावर की रिलीज मुलतवी। मजीद बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जून 2023 30 जून 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब कंचा को भवन टीनू पाचन की एक्शन फिल्म टावर जुलाई में बड़े पर्दे पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया 23 जून 2023 23 जून 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब किया। कंचा को भवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा 3 पोस्टर देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 को मुलतवी किया गया। कंचा को भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर सितंबर OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की। कंचा को भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब किया गया। फिल्म काफ़ी हद तक मुकबले तक पहुँचे। सुरेश नंदो चावर फिल्म का जायजा। तेनु पाचन कंचा को भवन फिल्म की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब किया गया। चावर का जायजा कंचा को तेनु पाचन फिल्म एक पसरी स्क्रिप्ट के मुताबिक रिन्यूमेंट। चावर मूवी रिव्यू कमजोर स्क्रिप्ट लगे किन शानदार मैकेनिंग के साथ देखने के काबिल। फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। जूवियल नॉर्मल चावर का जायजा। ये मुश्किल सियासी ड्रामा 2 हिस्सों की कहानी 2 हफ्ते बाजाब शुदा। अलेक्जेंडर प्रिंसी चावर फिल्म का जायजा। स्क्रिप्ट टेनु पाचन की हिदायतकारी लेख रुकावट बाजाब शुदा 5 अक्टूबर 2023। मैनन विशाल चावर रिव्यू शुदा और गुमशुदा वजह के बारे में एक नामवर ड्रामा है। टेनु पाचन की शानदार तस्वीर कशी फिल्म साथी 6 अक्टूबर 2023 को सुल चार की शुदा बाजाब्त किया गया। रिजीत सज्जन चावर मूवी रिव्यू। स्टाइलिश मेजरी मास्क में यूज कन तरीरों की कमी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। मैनन नलिमा चावर रिव्यू। कंचा को भवन स्टार में स्टाइलिश ट्रैम्स मादा। OTT प्ले 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। वीरनी रब्ता के तरमीम 4 घंटे कबल के जरिए गएंगे। मुतलका जमीन टोनी वर्गीज भारतीय फिल्म अदाकार। जन शुक्र भारतीय अदाकार सुपर शुरानिया 2022 की भारतीय फिल्म मुआसी सिबाया से कितना दस्तियाब है। जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधानी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्टॉप मैन मन कर तलाश करें। आर्टिकल टॉप में PDF डाउनलोड करें। इस रिलीज की तारीख बंद कर दी गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का सुल चार किश्ता बाजाब्त किया गया। क्या कंचा को भवन की चावल 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। ताज़ा तीन पोस्टर देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया 14 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब्त किया गया। कंचा को भवन की एक्शन से भरपूर थ्रिलर चाव 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2023 5 अक्टूबर 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब्त किया गया। OTT प्ले पर चावर थिएटर में रिलीज की बाद कंचा को भवन का एक्शन ड्रामा कहाँ देखना है। OTT प्ले 21 सितंबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को सुल चार किश्ता बाजाब्त किया गया। प्रवीण चावर फिल्म का जायजा। टीनू पाचन का खराब हुनर खराब लिखी हुई फिल्म को बचाने में नाकाम रहा। हिंदू 6 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजाब्त किया गया। 2023 को सुरेश नंद चावर फिल्म का जायजा। तेनु पाचन कंचा को भवन फिल्म का की होली का इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम देती है कि खुनरेजी गर्ल्स है। इंडियन एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2023 को असल चार किश्ता बाजाब्त किया गया। चावर का जायजा कंचा को तेनु पाचन
एक बसरी सुरुख जो स्क्रिप्ट के मुताबिक न्यू इंडियन एक्सप्रेस चावर मूवी रिव्यू के जरिए की।